एनटीवी टाइम, जनता की बात जनता के साथ। दिल्ली में प्रदूषण के कारण लोगों को हो रही है परेशानी। दिल्ली सरकार द्वारा प्रदूषण नियंत्रण के लिए चलाए जा रहे एंटी डस्ट अभियान, लेकिन प्रदूषण दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। एक तरफ तो दिवाली के बाद और सर्दी के आने पर दिल्ली में प्रदूषण का स्तर बढ़ जाता है, वहीं दूसरी तरफ पराली जलाने के कारण भी दिल्ली में प्रदूषण का स्तर काफ़ी बढ़ गया है, जिससे आम आदमी को सांस लेने में काफ़ी दिक्कतें होती हैं। दिल्ली के भलसवा लैंडफिल साइट पर प्रदूषण के कारण लोगों को बीमारियों का डर बना हुआ है। सांस की बीमारी, आँखों में जलन जैसी परेशानियों के कारण लोग परेशान हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि चुनाव के समय वोट मांगने आ जाते हैं और कई वादे किए जाते हैं, लेकिन चुनावों के बाद कोई भी हम लोगों की समस्याओं का समाधान करने के लिए नहीं आता है। भलसवा लैंडफिल साइट के कारण हवा जहरीली होती जा रही है, जिससे बच्चों के स्वास्थ्य पर बहुत ही खतरनाक प्रभाव पड़ रहा है। छोटी सी उम्र में ही बच्चों की आँखों में दिक्कतें हो रही हैं, लेकिन सरकार के कानों पर जूं तक नहीं रेंगती। नाम नहीं लिया जा रहा, वहीं बता दें भलसवा लैंडफिल के साथ हम वहाँ स्थानीय लोग से बात की तो उनका कहना है कि कई ऐसे अनेकों बीमारी हो रहा है पॉल्यूशन की वजह से, क्योंकि लगातार पॉल्यूशन दिन पर दिन बढ़ते जा रहा है। जिस तरह से पॉल्यूशन बढ़ रहा है उस तरह से खांसी जुकाम कई ऐसी बीमारी हो रही है, जैसे अस्पताल में देखने को मिल रहा है कि चल 99% जो पेशेंट आते हैं उनको सांस फूलने में दिक्कत होती है, और जितने भी रोड पे हवा चलती है वो हवा जहरीली हवा है जो आँखों में मिट्टी जैसा लग रहा है। तो पब्लिक का कहना है कि बीमी बना गैस चेंबर इसकी वजह से लगातार दिल्ली में पॉल्यूशन बढ़ रहा था, कि इस पर कोई भी सरकार की बात करी जाए कोई भी ठोस कदम नहीं उठाया। क्या नाम है आपका? रामचरण। रामचरण जी, ये भलसवा लैंडफिल है, इसके साथ में पॉल्यूशन की बात करी जाए। अरे यहाँ पॉल्यूशन के मारे मरे जा रहे हैं लोग, परेशान है हर बात से परेशान है। एक तो इसका गंध बहुत खराब लगता है, जब हवा चल जाती है तो घर वालों को दिक्कत इतनी हो जाती है कि दम लेना सांस लेना मुश्किल हो जाता है। दूसरी बात, बरसात होती है तो यहाँ ऐसा फैलता पानी जहरीला, हर आदमी को खतरा है इस बात से। इन बातों से हमें ये परेशानी हो रही है, ये गरीबी हालत में देख के नहीं है, लोगों ने ये गौर नहीं कर रही है सरकार कि हम अपना जिनका पब्लिक के लिए भला सोचें या नहीं सोचें, ये हमारी तरफ से अच्छा काम नहीं हो रहा है। क्या कितने सालों से आप लोग रह रहे हैं? हम यहाँ 30 साल से रह रहे हैं। कितनी बीमारियों की बात करी जाए, कितनी बीमारी होती है? बीमारियों का बहाने से कितनी बीमारी होती है साली, यहाँ पे है ही क्या इनका, मच्छर खा गए तो साला डेंगू का बहाने आ दिया, तभी साले ये हो गया कि तुम्हारे यहाँ से पानी के हम पानी पी नहीं सकते यहाँ का बोरिंग कर करके। हम क्यों लैंड सरकार ये पानी की तो कर रही नहीं है, इन बातों पर तो ध्यान दे रही नहीं है, इन बातों पर ध्यान दे रही है। हमने माँ दिए जला दिए, माँ हमने ये कर दिया वो कर दिया, तुम्हारा सुरक्षा कर रहे हैं हम, ले जनता की सुविधा कर रहे हैं। क्या सुविधा हो रही है? कुछ भी नहीं हो रही है, कोई भी सुविधा नहीं। क्या नाम है सर? मेरा नाम धर्मेंद्र कुमार प्रजापति। धर्मेंद्र जी, यहाँ भलसवा लैंडफिल की बात करी जाए या दिल्ली में पूरी पॉल्यूशन की पूरी गैस चैम्बर बना हुआ है, आप खत्ते के पास में रहते हैं, कितनी समस्या होती है पॉल्यूशन से? समस्या तो देखो, समस्या को लेकर तो इतनी बड़ी परेशानी है कि यहाँ अगर सोते हैं तब भी स्मेल, इतनी स्मेल आती है, और रात को नींद भी नहीं आती अच्छी तरह, और खाना बैठते हैं खाना खाने बैठते हैं तब भी इतनी स्मेल आती है, और हमारे को कहीं मार्केट भी जाना हो यहाँ से तो इतना गंदा पानी निकलता है कि आप वहाँ से निकल नहीं सकते हो। लेकिन हमारी मजबूरी है कि हमारे को रास्ता वही मिला हुआ है निकलने के लिए, तो हमें वहाँ से गुजरना पड़ता है। बीमारी की बात करी थी, बीमारी की बात करी जाए तो देखो जैसे सांस फूल जाती है कई बारी, और आँखों में जलन होती है, और क्या कहते हैं धड़कने जैसे सुई की तरह चलती है, घड़ी की तरह चलती है, तो कई बार धड़कने स्पीड ऐसे हो जाती है जैसे अभी सांस फूल गई है, मतलब बहुत ज़्यादा परेशानियाँ होती है। तो यहाँ रह रहे हैं, मजबूरी है हमारी। हम कितने सालों से आप लोग रह रहे हैं? हम यहाँ 30 साल से रह रहे हैं। और समस्या की बात करीजिए इस पर, क्या नाम है सर? विजय कुमार। विजय जी, पोल्यूशन की बात करीजिए, एक खत्ते है, खत्ते से हमेशा आग लगी रहती है, पोल्यूशन होती है, कितनी समस्या होती है आप लोगों को पोल्यूशन से? देखो जी, समस्या तो बहुत है, सांस लेने वालों को घर में घुटन होती है, सांस लेने में घुटन होती है, गंदी से मच्छर मक्खी है, खाना पीने में परेशानी होती है, पोल्यूशन से रोड पर चलते हैं जब आग लगती है तो गाड़ी से दिखाई नहीं देता कुछ रोड पर, गुराड़ी तक जो है धुआं जाता है इसका, कई किलोमीटर तक इसका पोल्यूशन रहता है। क्या जो मेन बात करी जाए, कई ऐसे अनेक बीमारी होती है उसकी वजह से कितनी समस्या होती है आप लोगों का परिवार में? समस्या जैसे
जाती है, इन्फेक्शन हो जाता है, किसी की खुजली हो जाती है, किसी की